गुड इवनिंग, रोबोकार्ट में आपका स्वागत है। अभी जैसे कि आपको पता है, रोबोकार्ट एक सेमी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, रोबोटिक्स, इसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करता है रोबोकार्ट। आप अगर कोई कोर्सेज या एजुकेशन रिलेटेड कुछ चाहिए आपको, तो आप हमें हमारे ऐप पे हमको एनरोल कर सकते हो। जैसे कि आपको देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसमें भी देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं। जैसे कि लोग जुड़ रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। इसके पहले हम तुमको हमारी इस रोबोकार्ट में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं और प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा आर्डिनो और डिफरेंट डिफरेंट सेंसर, इनके रिलेटेड हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो आज ही हम एक चीज बनाएंगे, उसका नाम है रिमोट टेस्टर यूजिंग TSOC 7038। आज हम ये बनाएंगे, तो उसके पहले हम देखते हैं कि मशीन्स और इनके रिलेटेड हमारी रोबोकार्ट में क्या होता है। तो रोबोकार्ट में मशीन के रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल को रेफर करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ऐप को रेफर कर सकते हो। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस दिए हैं, तो आप उसको रेफर करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लाइव सेशन में आ रहे, अगर आपके फ्रेंड्स और अभी तक नहीं आए या फिर आप उनके पास तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है, तो आप उनको लिंक प्रोवाइड कर सकते हो कि वो आके ज्वाइन हो सके। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जैसे कि मशीन, और हम आज जो रिमोट टेस्टर बनाएंगे, इसमें क्या क्या चीज यूज करेंगे, कैसे हम इसको बनाते हैं और क्या क्या इसकी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, कहाँ इसको यूज किया जाता है, हम आज हर एक चीज इसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मशीन्स जैसे भी जैसे काम करती है, हम देखते हैं कि डिस्कवरी चैनल पे बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, वो कैसे काम करती है। जब उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वो अपने हिसाब से वो हर एक चीज को कंट्रोल करके रखती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये काफी कंपनियों में हम रोबोट्स यूज करते हैं, जो कि रोबोट्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है कि कौन सा सामान किस जगह पे रखना चाहिए और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, उसको एक लाइन पे प्रोसेस करने के लिए हम रोबोट्स को यूज करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि ड्रोन्स भी यूज होते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और हम देखते हैं कि मशीनें भी यूज होती है कि ह्यूमन मैलफंक्शंस या फिर जो भी लेबर वर्क रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए। आज हम देखेंगे कि रिमोट टेस्टर कैसे बनाते हैं, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो सेंसर हम आज यूज करेंगे उसका यूज क्या है और उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और कहां कहां उसको देखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो आर्डिनो रहता है, ब्रेन रहता है आर्डिनो, जो कि हम लोग यूज करते हैं कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोलर जो कि हम यूज करते हैं मेनी एप्लीकेशन में, प्रोजेक्ट्स में, जो कि हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं। आज हम माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि आर्डिनो हम यूज नहीं करने वाले, आज बहुत ही बेसिक में हम लोग यूज करने वाले हैं, जो कि आप घर बैठे उसको बना सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन सा सेंसर है, जो सेंसर जो कि डिटेक्ट करते हैं चीजों को। जैसे कि हम देखते हैं कि टीवी एक काम करता है वायरलेस रिमोट पे, जब भी हम कोई रिमोट यूज करते हैं, जैसे कि एसी को चालू करना हो या फिर टीवी चालू करना हो या फिर कोई भी चीजें, जैसे कि उसमें रिमोट यूज हो वायरलेसली, उसमें हम रिमोट का यूज करते हैं, लेकिन कैसे काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास कोई भी रिमोट हो, जैसे मेरे पास एक वीडियो गेम का रिमोट हो या फिर टीवी का रिमोट हो या फिर एसी का रिमोट हो, सबसे पहले हम जो भी फंक्शंस रहता है यहाँ पे, वो हम फंक्शन को अगर आवाज कम करना हो या फिर चैनल चेंज करना हो या फिर कोई नंबर दबाना हो, तो हम जब भी कोई बटन कोई भी यहां से दबाते हैं तो वो कहां पे चेंज होता है, टीवी में या फिर एसी में। जैसे कि हम कोई भी यहां से फंक्शन देते हैं
कोई भी फंक्शन देते हैं तो ये हुआ हमारा एक ट्रांसमीटर, ये एक ट्रांसमीटर डिवाइस है जो कि चीजों को आगे फॉरवर्ड करे। और जो रिसीवर कौन सा होता है, जो कि हुआ टीवी, टीवी एसी जो भी चीजें होती है उसको बोलते हैं हम रिसीवर पार्ट। जैसे कि हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर में एक रिलेशन होता है कि हम एक ट्रांसमिट करते हैं तो एक सामने वाला लेने वाला होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम रिसीवर। ट्रांसमीटर से जो भी फंक्शन, जो भी वेव, जो भी करंट पास होके जाता है रिसीवर के पास, जब भी कोई पास होता है तो आपने देखा होगा कि एक फ्रंट में एलईडी होती है। अगर आपके घर में रिमोट हो तो आप लाके देख सकते हैं कि एक फ्रंट में एक एलईडी होती है, जो कि एलईडी कोई भी बटन दबाते हम तो वो चालू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो एलईडी रहती है वो होती है आईआर, मतलब इंफ्रारेड सेंसर होती है। जो इंफ्रारेड सेंसर होती है वो 700 नैनोमीटर से 1 mm के बीच में उसकी लेंथ होती है कि हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि विजिबल रेंज एक पर्टिकुलर रेंज में होता है, उसके अगर नीचे या फिर उसके ऊपर रेंज में आता है तो हम उसे देख नहीं सकते। इसके लिए हम यूज करते हैं आईआर, इंफ्रारेड लाइट, जो कि हमारे रिमोट के आगे होती है। कोई भी बटन प्रेस करते हैं हम तो हमें नहीं पता चलता कि वो लाइट चालू है कि नहीं, तो हमें पता नहीं चलता कि वो रिमोट चालू है कि नहीं। लेकिन आप एक काम से देख सकते हो उसको कि अगर कोई भी रिमोट हो या फिर आपके पास एक स्मार्टफोन या फिर डिजिटल मोबाइल हो तो उसके कैमरा ऑन करके उसको बटन को दबाओगे तो वो लाइट दिख सकता है आपको। लेकिन वो हुआ एक स्मार्ट डिवाइस के लिए। अगर आपके पास स्मार्ट डिवाइस नहीं हुआ या फिर आपको एक इलेक्ट्रॉनिकली एक प्रोजेक्ट बनाना हुआ कि आपको कैसे टेस्टिंग करना है रिमोट का, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे उसको चीजों के लेने के लिए, आप एक सेंसर लोगे, सेंसर जो कि ट्रांसमिट कर सके, मतलब कि दे सके कि टीवी ले सके, टीवी या फिर एसी जो भी चीजें सामने हैं वो ले सके। इसके लिए हमारे पास देने वाली चीज होनी चाहिए, मतलब ट्रांसमीटर। जैसे कि अपने पास है आईआर ट्रांसमीटर, आईआर ट्रांसमीटर मतलब इंफ्रारेड ट्रांसमीटर जो कि ट्रांसमिट करने करेगा, तो हमारे पास रिसीवर होगा टीवी जो कि रिसीव करने के बाद उसको रिस्पोंड करेगा कि क्या चेंज करना है। जब भी हम कोई आउटपुट देंगे ट्रांसमीटर में तो रिसीवर उसको कैच करेगा। सबसे पहले हम जो आईआर सेंसर यूज करेंगे उसका नाम है टीसॉ 1738। जैसे कि आप देख सकते हैं टीसॉ रिमोट टेस्टर यूजिंग टीसॉ 1738। आज हम यूज करेंगे इसको और देखेंगे कि आईआर ट्रांसमीटर काम कैसे करते हैं। मतलब कि हम टीवी रिमोट लेंगे, अपने पास अभी टीवी नहीं है, टीवी की जगह हम यूज करेंगे अपना सर्किट, सर्किट को यूज करेंगे रिमोट से कि रिमोट से वो चालू कैसे हो सके। सबसे पहले हमें चीज अगर प्रोजेक्ट बनाना है और अपने पास बहुत सारी पिन नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक बोर्ड लेते हैं, उस बोर्ड का नाम है ब्रेड बोर्ड। जो कि हम ब्रेड बोर्ड यूज करते हैं वो दो टाइप में होता है, एक होता है स्मॉल ब्रेड बोर्ड और 400 पिन का, और एक होता है बिग ब्रेड बोर्ड। सो आज हम यूज करेंगे स्मॉल ब्रेड बोर्ड। स्मॉल ब्रेड बोर्ड जैसे कि आप ये देख सकते हो 400 पिन का स्मॉल ब्रेड बोर्ड, आज हम ये यूज करेंगे। इसके बाद में हम जो भी ट्रांसमिट करते हैं, कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए तो हम आप जो वो भी लेंगे। जैसे कि हम हमारे पास एक ब्रेड बोर्ड है, ब्रेड बोर्ड के हम ऊपर सेंसर लगाएंगे, सेंसर कैच करेगा जो भी सिग्नल आएगा रिमोट से। जो सेंसर हम यूज करेंगे उसका नाम है आईआर रिसीवर और ट्रांसमीटर हम उसको बोल सकते हैं, जो कि ऐसा दिखता है कि आप देख सकते हो इसको, आईआर ट्रांसमीटर और रिसीवर। इसके पास होती है टोटल थ्री पिन होती है। इसमें से हम जब भी कोई पावर सप्लाई देते हैं या फिर जो भी मेरी बॉडी अगर क्या बोलते हैं इसको, ये हमारी बॉडी क्या एक ब्रेन फंक्शन है या फिर रोबोट है, तो हम इसे सबसे पहले क्या देते हैं, पावर सप्लाई। मतलब अगर इंसान की बॉडी है तो हम उसे फूड देते हैं। तो पावर सप्लाई के लिए हमारे पास दो चीज होनी चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई करने के लिए हमारे पास दो पिन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे कि आप टीसॉप देख सकते हो इसमें तीन पिन है, पॉजिटिव नेगेटिव और थर्ड पिन। जो थर्ड पिन रहता है वो दिखाता है आउटपुट कि कैसे रिएक्ट करना है। जब भी कोई रिसीविंग पावर आएगा, ये ट्रांसमिट करके रिसीविंग पावर आएगा, तो वो कैच करने के लिए होता है तीसरा वाला पिन, आउटपुट पिन। एक हुआ पॉजिटिव जो कि होता है मिडल वाला। आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीन पिन है, दो साइड में एक ये अलग है, तो दो साइड में उनमें से दो पॉजिटिव और नेगेटिव। जो कि बीच वाला है वो पॉजिटिव, जो लास्ट वाला है
साइड वाला वो है नेगेटिव, और जो सबसे अलग है वो है आउटपुट पिन, मींस सिग्नल पिन। जब भी कोई सिग्नल आएगा तो वो रिएक्ट करेगा। ये हमारे पास है टीसॉप 7038, आज हम ये यूज करेंगे। इसके बाद में जब ब्रेडबोर्ड पे हमने सेंसर लगा दिया, अब जब भी कोई सिग्नल आएगा हमारे पास, जैसे कि कोई रिमोट है हमारे पास, हम भी कोई भी रिमोट से हमने सिग्नल दिया, तो सिग्नल देने के बाद क्या होगा, आया ट्रांसमीटर उसको रिएक्ट करेगा, लेकिन रिएक्ट करने के बाद पता कैसे चलेगा। इसके लिए हमारे पास एक चीज होना चाहिए, उसको रिएक्ट करने के बाद बताना चाहिए। हम यूज कर सकते बजर या फिर हम यूज कर सकते एलईडी। एलईडी जैसे कि आप देख सकते हो, एलईडी जो हम यूज करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, जैसे कि ये एलईडी छोटा वाला एलईडी जो कि हम लोग यूज करते हैं रिएक्टिंग के लिए, मतलब कि ग्लो हो सके, जब भी पावर सप्लाई हो तो ये रिएक्ट करके ग्लो हो सके, इसके लिए हम यूज करते हैं एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। इसके पास दो पिन होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो बड़ा वाला टर्मिनल रहता है वो होता है पॉजिटिव, तो छोटा वाला रहता है वो होता है नेगेटिव। इसके लिए हम एलईडी यूज करते हैं रिएक्ट कर सके। इसके बाद में हमने एक ब्रेडबोर्ड लिया, ब्रेडबोर्ड के ऊपर सेंसर लगाया, सेंसर के साथ में हमने एक एलईडी लगाया। अभी जब भी हम कोई पावर देते हैं, जैसे कि मेरे पास है 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट, जैसे आपने सुना होगा मोबाइल चार्जर 25 वोल्ट 18 वोल्ट ऐसे चार्जर हो गए, लेकिन वो क्या करते हैं, अगर कोई नॉर्मल फोन में हमने लगा दिया चार्जर तो वो क्या करेगा, उसको ब्लास्ट कर सकता है या फिर ओवर चार्जिंग कर सकता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं एक चीज जिसका नाम है रजिस्टर, जो कि पावर को कम कर सके। जैसे कि आपने सुना होगा जब रोड पे गाड़ियां चलती है तो गाड़ी कैसे भी स्पीड में चल सकती है 200, 300, 500, लेकिन ऐसे नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग यूज करते हैं गाड़ी को रोड पे चलाने के लिए, तो वहां पे एक चीज रहती है, उसका नाम होता है स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर क्या करता है, उस स्पीड को कम कर देता है गाड़ी की। इसलिए गाड़ी की स्पीड कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो। इसके लिए हम एक सर्किट वायर में यूज करते हैं चीज, उसका नाम है रजिस्टर, जो कि पावर को कम कर दे। अगर हम कोई भी पावर का बैटरी यूज कर दे या फिर पावर सप्लाई यूज करते हैं, तो वो पावर उसको ट्रांसमिट नहीं करता इतना, क्योंकि वो एलईडी या फिर जो भी चीज हमने यूज की है वो क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है या फिर उसको खराब हो जाती है। इसके लिए हम एक यूज करते हैं, उसका नाम है रजिस्टर, जो कि हम रजिस्टर यूज करते हैं उसकी वैल्यू होती है 1K। रजिस्टर आपने पहले सुना होगा या फिर पढ़ा होगा यहीं पे रोबोकार्ट में, कि रजिस्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू होती है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू हम पता कर सकते हैं कि कैसी वैल्यू कहां पर है, रेड ब्लैक सब हम चार्ट टेबल देख के पता कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। रजिस्टर जो हम यूज करते हैं वो है 1K। 1K जो रजिस्टर यूज करते हैं, जब भी हम ज्यादा पावर सप्लाई करते हैं तो पावर सप्लाई को कम करके एलईडी को जितना चाहिए उतना वो सप्लाई करेगा, कि वो एलईडी फूटे ना या फिर उसको डैमेज ना हो। इसके लिए हम यूज करेंगे रजिस्टर। जो रजिस्टर हम यूज करेंगे उसकी वैल्यू है 1K। बाद में हमने सब चीज लगा दी, ब्रेडबोर्ड है, ब्रेडबोर्ड के ऊपर हमने सेंसर लगाया, सेंसर के साथ में एलईडी लगाया, एलईडी में हमने रजिस्टर लगाया। अभी ये सबको कनेक्ट करने के लिए हमें एक चीज चाहिए, जो होता है वायर्स। वायर की हेल्प से हर एक एलिमेंट्स को हम जॉइंट करके रखेंगे। जो वायर्स हम यूज करते हैं, आपने नाम सुना होगा पहले भी, जो वायर्स हम यूज करते हैं उसका नाम है जम्पर वायर। जो जम्पर वायर रहते हैं वो ऐसे दिखते हैं, आपने देखा होगा। और जो जम्पर वायर हम यूज करेंगे वो है मेल टू मेल। आपने नाम सुना होगा जम्पर वायर तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेल टू मेल, एक होता है फीमेल टू फीमेल, एक होता है मेल टू फीमेल। जैसे कि यहाँ पे जो वायर के जो टर्मिनल बाहर निकला होगा उसको बोलते हैं मेल पिंस, अगर वो टर्मिनल इनसाइड हुआ अंदर की तरफ उसको बोलते हैं फीमेल पिन। जो कि हम वायर यूज करेंगे दोनों टर्मिनल बाहर रहेंगे, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं मेल टू मेल जम्पर वायर, मेल टू मेल। ये जम्पर वायर हम यूज करेंगे सारे एलिमेंट्स को एक साथ रखने के लिए। अभी सारे कनेक्शंस एक साथ होने के बाद में हम क्या करेंगे, उन कनेक्शंस में पावर देंगे, कि जब पावर देंगे तभी सेंसर उसको काम करने में रहेगा। तो उसके बाद में हमने पावर दिया, पावर सप्लाई देने के बाद में जब भी हम पावर सप्लाई देंगे तो एलईडी एक बार ग्लो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें दिखाएगा कि पावर सप्लाई हो चुका है। अभी हमारा टीसॉप 1738
वो पावर को रिएक्ट करेगा जब भी कोई रिमोट से हम सिग्नल लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कंपोनेंट कौन कौन से यूज करते हैं। सबसे पहले अपने पास नीचे होना चाहिए बोर्ड, जो कि बोर्ड हम सारे कनेक्शंस को स्टेबल करने के लिए तो हम यूज करते हैं ब्रेड बोर्ड। जैसे कि हम ब्रेड बोर्ड यूज कर सकते हैं, आप ये देख सकते हो बोर्ड जो हम छोटे वाले लिए है उसको बोलते हैं ब्रेड बोर्ड। उसके बाद में लिए एलईडी कि उसको रिएक्ट कर सके, जो भी चीजें आ रही है क्या चीज आ रही है क्या रिएक्शन दे रही है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद में है टीसॉप 1738 जो कि रिएक्ट करने में हेल्प करेगा रिसीविंग पावर को कैच करने के लिए, इसके लिए हम यूज करेंगे सेंसर टीसॉप 1738। उसके बाद है रजिस्टर जो की वैल्यू है 1K। रजिस्टर की हम हेल्प करेंगे कि करंट को रिड्यूस कर सके। करंट को रिड्यूस करने के बाद में जो करंट पास करना है हमें उतना ही करंट हम पास करेंगे, इसके लिए हम रजिस्टर 1K लिए। उसके बाद में जम्पर वायर की हेल्प से सारे कनेक्शन को पकड़ के रखने के लिए कि उसमें से एक दूसरे में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके सर्किट कंप्लीट होने के लिए। उसके बाद में हमने लिया है पावर सप्लाई। जैसे कि हम बैटरी लेते हैं 9 वोल्ट का बैटरी लेते हैं, इसमें हमारे पास जो पावर रहती है, लेकिन एलईडी को 3 वोल्टेज या उससे कम वोल्टेज चाहिए, लेकिन हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो 9 वोल्टेज है। अगर 9 वोल्टेज सप्लाई किया तो एलईडी डायरेक्ट ब्लास्ट हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी, इसके लिए हम यूज करते हैं रजिस्टर 1K। अभी हम देखेंगे सर्किट डायग्राम कैसे होता है, सर्किट डायग्राम से उसको कैसे बनाया जाता है, इसे हम आप ध्यान से देखना। इसको देखने के बाद आप बना सकते हो खुद अपना रिमोट टेस्टर यूजिंग टीसॉप 1738 अपने घर पे अपने आप से। जैसे कि आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हो, ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हमने लिया एक ब्रेडबोर्ड पे आपने देखा होगा कि ब्रेडबोर्ड को यूज कैसे करते हैं। ब्रेडबोर्ड के पास 4 टाइप होते हैं, 1, 2, 3, 4। अभी चारों टाइप में पिंस बहुत सारी होती है, अब कनेक्शन कैसे होगा। जैसे कि आपके पास एक ब्रेडबोर्ड है तो ब्रेडबोर्ड के पास 4 हिस्से हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पहला वाला हिस्सा और लास्ट वाला हिस्सा सेम रिएक्ट करते हैं, और दोनों बीच वाले जो हिस्से रहते हैं वो सेम रिएक्ट करते हैं जब भी कोई पिन हमें कनेक्ट करना रहता है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास अगर ब्रेडबोर्ड हो तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाले में 2 टाइप के पिन होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। जैसे कि आप कोई भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन आपके पास 2, 4 या 8 ऐसा कुछ हो, अगर उससे 100, 200, 300 ऐसा कुछ चाहिए तो आप इसके लिए ब्रेडबोर्ड यूज करते हैं मेनी पिन्स के लिए। इसके लिए हमारे पास 2 पिन्स की लाइन है, सबसे ऊपर वाले में आप देख सकते हो जो पहली पिन, अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पिन कनेक्ट कर ली तो जो ये जो लाइन रहती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये पूरी लाइन क्या हो जाती है पॉजिटिव लाइन हो जाती है, ये रिएक्ट कैसे करती है पॉजिटिव लाइन। अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कौन सा भी ले सकता हूँ मेरी मर्जी, उसके बाद में नेगेटिव जो लाइन ली तो ये पूरी लाइन कैसे रिएक्ट करेगी नेगेटिव, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। अब जैसे कि हमने ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों सेम बोला, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे भी 2 पिन्स होती है, देख सकते हो आप। जैसे कि आपने कोई भी पिन में यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये पिन में नेगेटिव कनेक्ट कर लिया तो ये क्या होगी पूरी लाइन क्या हो जाएगी नेगेटिव रिएक्ट करेगी, तो नेगेटिव पावर सप्लाई देगा। जैसे कि नीचे वाली लाइन है, यहाँ पे कोई भी मैंने पिन लिया, ये पिन लिया और इसमें पॉजिटिव लगा दिया, तो उसमें क्या होगा पूरी लाइन क्या करेगी पॉजिटिव रिएक्ट करेगी, क्योंकि जो भी पिन रहती है यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में और ऊपर वाले हिस्से में वो होती है हॉरिजॉन्टली वर्क करती है, लेकिन मिडल में क्या रहती है स्टोरी अलग होती है। अब मिडल्स में होती है बहुत सारी पिन होती है मिडल में, तो मिडल में जब भी पिन रहती है हम कोई भी पिन को रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये पिन को कोई सिग्नल दे दिया कि जैसे कि मैंने नेगेटिव दिया तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा, वो क्या जाएगा वर्टिकल जाएगा, लेकिन वही हिस्से वाले में, बस वो सेकंड वाला है तो सेकंड में जाएगा क्योंकि वो रिएक्ट वैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मैंने यहां पे कोई पिन है इसमें मैंने पॉजिटिव देगा तो क्या होगा वो सेम वर्टिकल लाइन में क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगी सारी पिन, वैसे सारी पिन नीचे वाली पॉजिटिव नहीं होगी क्योंकि वो एक ब्रैकेट में कंप्लीट हो गई। अगर मैंने यहां पे कोई पिन दी और ये दोनों ब्रैकेट क्या करते सेम रिएक्ट करते, अगर मैंने यहां पे कोई पिन दिया पॉजिटिव तो ये पूरा लाइन वर्टिकली क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई नेगेटिव कनेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव कनेक्ट किया, तो इसलिए ऐसे काम करता है ब्रेडबोर्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सारे कनेक्शन किए हुए, सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड लेंगे, ब्रेडबोर्ड के बाद में हम लगाएंगे अपना टीसॉप लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 पिन है,
पॉजिटिव नेगेटिव और आउटपुट मतलब सिग्नल पिन, ये पिन ये हम कनेक्ट किए। कनेक्ट करने के बाद में हमने यहाँ पे कनेक्ट किया एलईडी। एलईडी के पास होते दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि पॉजिटिव हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव साइड ऑफ टीस ऑफ 1738 में, जो नेगेटिव रहेगा वो हम कहीं बाहर पिन में कनेक्ट करेंगे एम्प्टी साइड में, एम्प्टी साइड में कनेक्ट किया। इसके बाद में हम लेंगे रजिस्टर। रजिस्टर के दो हिस्से होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, उन दोनों टर्मिनल में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, उसको आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये रजिस्टर है, रजिस्टर को एक आउटपुट पिन में लगाया और एक हमने एलईडी के नेगेटिव पिन में लगाया, ये हमारे कनेक्शन हो गए। अभी क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे जम्पर वायर की हेल्प से। जम्पर वायर लेंगे हम और टीसॉप का जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव में लगाएंगे और जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में लगाएंगे, मतलब टीसॉप को डायरेक्टली पावर मिल गया। अब सारे कनेक्टेड है तो हम इसको क्या देंगे, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के लिए सबसे पहले हम पॉजिटिव लाइन में पॉजिटिव वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे, जो कि रेड वायर है 9 वोल्ट बैटरी में, और जो नेगेटिव लाइन में हम नेगेटिव कनेक्ट करेंगे 9 वोल्ट का, जो कि ब्लैक वायर है हम कनेक्ट करेंगे तो पावर मिलेगा। अभी हम देखेंगे कनेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे हम कनेक्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास ब्रेडबोर्ड है, जम्पर वायर है, रजिस्टर है, टीसॉप है और एलईडी से बैटरी कनेक्टर है और मेरे पास बैटरी है। सबसे पहले मैं यूज करूंगा ब्रेडबोर्ड। अब ब्रेडबोर्ड में सबसे पहले मैंने टीसॉप लगाया, ये टीसॉप लगाया मैंने। अब जो टीसॉप रहेगा इसमें है नेगेटिव पॉजिटिव और आउटपुट पिन। अभी इसके अंदर मैं लगाऊंगा, अभी जैसे कि एलईडी लगाना है मुझे, एलईडी के लिए मेरे पास ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जो पॉजिटिव रहेगा वो टीसॉप के पॉजिटिव लाइन में लगेगा और नेगेटिव वाला कहीं और लगेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हो पॉजिटिव को पॉजिटिव लाइन में लगाया और नेगेटिव को कहीं और लगाया और ये टीसॉप है। अभी इसमें क्या लगाएंगे, हम एक रजिस्टर लगाएंगे। जैसे कि रजिस्टर हम कहां लगाते हैं, नेगेटिव साइड में, जो कि एलईडी है, एलईडी के नेगेटिव साइड में, और दूसरा वाला पिन हम क्या करते हैं आउटपुट आउटपुट साइड में लगाते हैं टीसॉप के। ये कनेक्ट किया, ये एलईडी कनेक्ट हो गया, ये हमारे पास रजिस्टर कनेक्ट हो गया, ये टीसॉप हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जम्पर वायर है, जम्पर वायर की हेल्प से हम पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाई देंगे। सबसे पहले हमारे पास है नेगेटिव, जैसे कि ये टीसॉप का नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हम टीसॉप का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइड को हम पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे, और जो कि नेगेटिव है ये वाला, जो कि टीसॉप का नेगेटिव है, वो हम नेगेटिव पावर में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको पावर सप्लाई देने के लिए बैटरी कनेक्टर यूज करेंगे। ये वाला पॉजिटिव साइड है पहले वाली लाइन, और सेकेंड लाइन है नेगेटिव लाइन। अभी जो रेड वायर है वो है पॉजिटिव, ब्लैक है नेगेटिव। जैसे कि हमने ब्लैक पॉजिटिव में रेड वायर लगाया और नेगेटिव में ब्लैक वायर लगाया, ये पावर सप्लाई लगाया। अब पावर सप्लाई देने के लिए हम लोग बैटरी यूज करेंगे 9 वोल्ट का, जो कि आप देख सकते हो यहां पे 9 वोल्ट का बैटरी हम लगा रहे हैं इस पे, तो डायरेक्टली इसमें पावर आएगा और एलईडी क्या होगा, एक बार ग्लो होगा कि उसमें पावर सप्लाई आ चुका है। अभी क्या करेंगे, हम कोई भी रिमोट यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई एमआई का मोबाइल हो उसके सामने, जैसे कि आप देख सकते हो कि आयर लाइट होती है, आयर लाइट की हेल्प से आप रिमोट या फिर मोबाइल एमआई का मोबाइल भी चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे ये चेक करना है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा रिमोट, या फिर जो भी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास इसका रिमोट हो टीवी का या फिर एसी का, जिसका भी रिमोट हो, हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बटन दबाया तो यहाँ पे क्या हुआ, एलईडी चालू होगा, तो ये एलईडी कोई भी बटन दबाएंगे हम एलईडी चालू हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है। ये हुआ ट्रांसमीटर। जैसे कि ये एलईडी, अगर एलईडी में चालू करके देखूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये एलईडी चालू है, लेकिन जब भी हम इसको देंगे ट्रांसमीटर को, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और इस रिसीवर में जो भी फंक्शन आएगा ट्रांसमीटर से, जो ट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं उसमें से वो कैच करेगा और वो फंक्शन को चालू करेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि वो एलईडी हमारे इशारे पे चल रहा है, तो हम ऐसे ही एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं, आयर ट्रांसमीटर टू आयर रिसीवर। ये हुआ हमारा
ये हुआ हमारा टीस ऑफ यूजिंग रिमोट टेस्टर। रिमोट टेस्टर हम बना सकते हैं, ऐसा आप घर पे अपने घर पे भी बना सकते हो। टीस ऑफ को यूज करके 1738 को यूज करके आप रिमोट टेस्टर को बना सकते हो, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस होती है। जैसे कि रिमोट, सबसे पहले होता है रिमोट जो कि आप यूज करते हो टीवी के सामने, टीवी रिमोट रहता है या फिर एसी रिमोट रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप यूज कर सकते हो टीस ऑफ के लिए। आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो घर पे और हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर हमें प्रोजेक्ट बना के वीडियो सेंड कर सकते हो। हम आपका प्रोजेक्ट हमारे YouTube चैनल पे डिस्प्ले करेंगे और आपको प्राइस भी मिला जाएगा उस हिसाब से। और आप अगर ऐसे ही अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, जैसे कि आज हमने बनाया रिमोट टेस्टर यूजिंग टीस ऑफ, तो आप ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे आइए और वेबसाइट को देखिए। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, तो आप उनको रिफर कर सकते हो और आप और भी हमारे प्रोजेक्ट्स देख सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक ऐप है रोबोकार्ट का, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भेजी है, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल या फिर उसको देख सकते हो ऐप को, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है स्टीम रिलेटेड, जो कि आपके बच्चों को काफी हेल्पफुल रहेंगे। अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में रोबोट रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड, जैसे कि आपके बच्चे अगर फेमिलियर ना हो इलेक्ट्रॉनिक को, तो बेसिक से जब भी हम चीज स्टार्ट करते हैं तो हर एक चीज को बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और बेसिक से एडवांस लेवल तक, मतलब बेसिक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल, ये तीनों हम सिखाते हैं अपने रोबोकार्ट चैनल पे और रोबोकार्ट ऐप पे। तो आप कोर्सेस को देख सकते हो और इस हिसाब से आप विजिट कर सकते हो हमारा रोबोकार्ट और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो ऐसे ही हम नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट का आइडिया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है और कौन सा प्रोजेक्ट हम बनाएं उसके ऊपर, और हम उन प्रोजेक्ट पे बनाएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हो, या फिर कोई चैनल पे अच्छा वीडियो लगा हो, आपको लगता है कि ये वीडियो पे बनना चाहिए वीडियो, तो हम उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। आपके कमेंट वैल्यू रहेंगे हमारे पास, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्रोजेक्ट पे हम काम करें। तो ऐसे ही हम नए नए आइडियाज लाते रहेंगे, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।